तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज ऑफ ऑल टाइम की। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आता है शज़ाम। शज़ाम डीसी कॉमिक्स का एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो है जिसे इसकी सारी पावर्स क्रीक कॉर्ड से मिली हैं। ये लगभग सुपरमैन जितना ही पावरफुल है। वैसे तो एक 14-15 साल का बच्चा ही होता है, लेकिन जैसे ही शज़ाम वर्ड बोलता है ये अपने मैजिकल रूप में आ जाता है। इसका सबसे बड़ा विलन ब्लैक एडम है जिसे इसी की तरह ही जेप्टियन गॉड से पावर मिलती हैं। नंबर 4 पे आता है थॉर। थॉर मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपीरियर है। इसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर भी कहा जाता है। ये नॉर्थ मैथोलॉजी गॉड ओडिन का बेटा होता है। इसके पास लाइटनिंग की पावर होती है जैसे ज्यूस के पास होती है, और इसने कॉमिक्स में हल्क और कैप्टन अमेरिका जैसे पावरफुल सुपरहीरोज को भी हराया हुआ है। इसका सबसे बड़ा विलन इसी का भाई लोकी होता है जिसे गॉड ऑफ मिस्चिफ भी कहा जाता है। नंबर 3 पे आती हैं वंडर वुमन। वंडर वुमन डीसी कॉमिक्स की, ना सिर्फ डीसी कॉमिक्स ही बल्कि ओवरऑल सुपर हीरो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस और पावरफुल सुपर हीरोइन है, और इस लिस्ट की बहुत फीमेल सुपर हीरोइन है। इसका बाप क्रीक गॉड ज्यूस और इसकी माँ एक अमेजोनियन वॉरियर होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरोज की लिस्ट में शामिल हो जाती है। कॉमिक्स में इसने सुपरमैन जैसे पावरफुल सुपर हीरोज को ना सिर्फ फाइट में हराया है, इन्हें इनसे लड़ा है, और मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक्स नंबर 2 में इसने थॉर के म्योनिर को ही उठा के थॉर को हरा दिया था। इसकी सबसे बड़ी विलन चीता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 2 पे आता है सुपरमैन। सुपरमैन एक एलियन स्पीशीज प्लैनेट क्रिप्टॉन से अर्थ पे आता है। इसकी ग्रोइंग जोनाथन और मार्था कैंट एक छोटे से गांव या कस्बा कह सकते हैं उसमें करते हैं। ये एक डीसी यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। ये जस्टिस लीग का ना सिर्फ फाउंडिंग मेंबर बल्कि फाइटिंग लीडर भी है। इसका सबसे बड़ा विलन लेक्स लूथर है, जो कि होता तो एक आम इंसान ही है, बट वो अपने माइंड टेक्निक से सुपरमैन का मुकाबला करता है और उसे काफ़ी परेशानियां भी देता है। नंबर 1 पे आते हैं डॉक्टर मैनहट्टन, डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो, जो कि लिटरली किसी भी गॉड से ज़्यादा पावरफुल है। ये एक साइंटिस्ट होता है जो किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से एक ओमनीपोटेंट बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये डीसी की वन ऑफ द डार्केस्ट कॉमिक्स वॉचमैन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इसकी पावर्स किसी भी एक आम ओमनीपोटेंट बीइंग से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आज की वीडियो बस ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।